दोस्तों, अगर आप अपने काम में अपडेट रहोगे ना तो आगे बढ़ते रहोगे। ये चीज़ मैंने अनलॉक टूल से सीखी है। अनलॉक टूल अक्सर अपडेट देता है और अच्छे अपडेट देता है, ये बात आप भी मानते होंगे। इसलिए मैं अनलॉक टूल की हमेशा तारीफ करता हूँ, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर की लाइन में आप न्यू हो, बेसिक वाले हो, तो आप डोंगल की तरफ भागते हो। तो ये टूल है अनलॉक टूल, इसको आप बाय करो, बेस्ट है सॉफ्टवेयर की लाइन में अगर आते हो। 2 तारीख को एक अपडेट आया था, अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा अपडेट है MI के जितने भी मॉडल हैं अभी 2024 वाले, YADB समझ रहे हो आप, ऑन कंडीशन में ही इसको आप अनलॉक कर सकते हो। MIUI 13 और 14, ये बहुत अच्छा अपडेट आया है। MI के बहुत सारे इसने मॉडल दे दिए थे, Redmi 7, Y3 और Note 9 Pro Max और जो MTK वाले थे, कुछ मॉडल दे दिए। एड सेलेक्ट फ्री ऑथ प्रीलोडर मोड बाय, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, चिप MTK टैब Xiaomi MTK यूनिवर्सल, मतलब कि Xiaomi के कुछ मॉडल जो MTK वाले हैं उनका भी अपडेट आ चुका है। फैक्ट्री रिसेट MI क्लाउड कर सकते हो आप। Redmi 30C तक का अपडेट दे दिया। Xiaomi का Poco C65, ये जो लिखा होता है ना गेल, ये क्या लिखा हुआ होता है, ये वर्जन होता है, मतलब कि वर्जन बोले तो मॉडल नंबर बोले तो, जब आप किसी मोबाइल का अगर कन्फर्म करना हो कि मोबाइल का मॉडल क्या है, तो उसके हम ये मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा देता हूँ। GSM XR एक वेबसाइट है, आप इस पर मोबाइल की फ्लैश फाइल वगैरह मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यार मैं सिर्फ गेल लिखता हूँ ना, तो यहाँ पे इसके प्रोडक्ट नंबर समझ लीजिए आप, मतलब कि मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड, 13C, इसका मतलब ये फाइल नहीं आई है, C65 भी नहीं आई। तो आपको समझाने के लिए फ्लैश फाइल पर जाता हूँ और Xiaomi की फ्लैश फाइल निकालता हूँ आपको दिखाने के लिए। अरे इनकी फ्लैश फाइल ही गायब हो गई, यहाँ पे लिखा ना ये शिवा सर्कस, ये मोबाइल का एक कोड इन लोगों ने कर दिया है कि ये फ्लैश फाइल इस नाम से इन्होंने निकाल दिया। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप MI का कोई भी मॉडल फ्लैश करो जो कि ऑथ वाले मॉडल होते हैं, तो उसकी सेम वर्जन की फाइल डाउनलोड करना, ठीक है। तो पहले फास्ट बूट से उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेना, अगर उसका सेम वर्जन की फाइल मिल रही है तो लेटेस्ट वर्जन से फ्लैश हो जाती है। तो उसके अंदर भी एडिट वाली फाइल की इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाएंगे कि आप MI अकाउंट की जो फाइल होती है फ्लैश फाइल, उसमें से एडिट फाइल कैसे निकालते हो, ठीक है। जैसे कि रेडमी का नोट 12 5G है, तो ये रहा सनस्टोन नाम है इसका, ठीक है। तो इसमें क्या कर रखा है ना, 5GB की फाइल है। तो यहाँ से आप फाइल को डाउनलोड करोगे ना 5GB की, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ये रहा वर्जन, तो सेम वर्जन के कर लेना। तो इसमें एक ही दे रखी है तो कोई मसला नहीं, फिर वही चल जाएगी इसमें, ठीक है। ये आपका अनलॉक टूल हो गया। वीडियो इंस्ट्रक्शन दे रखा है बाईपास MI क्लाउड का, ये भी देख लेते हैं। और LG के मॉडल दे दिए इन्होंने कुछ 3-4, इसको बंद कर दिया, मैं दिखा देता हूँ। देखो ऑन कंडीशन में है सेट, पावर ऑफ करा, शायद MI असिस्टेंट मोड में लेके जाएंगे, ये प्लस माइनस से। अरे 13C MTK है, MTK तो प्लस माइनस से हो जाएगा, चलो। लेकिन MI क्लाउड हो रहा है, ये बड़ी बात है, ये क्या बात है भाई। FRP भी हो गया, FRP के बाद इन्होंने क्या करा है, ये रीलॉक चेक कर रहे हैं कि रीलॉक होगा कि नहीं होगा। तो रीलॉक के लिए MI क्लाउड को वो दिखाया ही नहीं इन्होंने, चलो खैर आप चेक कर लेना। LG के कुछ मॉडल्स आ चुके हैं MTK वाले, भाई वीवो का लाओ अनलॉक टूल वालों, तो मज़ा आएगा। फैक्ट्री सेट FRP, हवाई अकाउंट कर सकते हो, फ्लैश कर सकते हो, हवाई ID कर सकते हो। ऑनर का सबसे बड़ा गेम होता है, ऑनर जो समझ गया उसने कमाई कर ली मार्केट के अंदर, क्योंकि हवावे के बहुत मॉडल है जो इंडिया के अलावा दूसरी कंट्री में है। तो इंडिया के अलावा जो दूसरी कंट्री है वहाँ पर हवावे बहुत ज़्यादा चलता है और बहुत अच्छा काम होता है, ये बात याद रखना। बहुत सारे टूल होते हैं जैसे कि चिमेरा है, सिग्मा है, और कुछ टूल्स हैं डोंगल्स भी हैं, कुछ ऑनलाइन वाले भी हैं, उसमें आप हवावे के अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हो। हवावे के बहुत सारे ऐसे मॉडल्स होते हैं जो बहुत अच्छा पैसा देके जाते हैं। हवावे के अंदर दो चीज़ चलती है, एक FRP होती है, एक होते हैं FRP की के नाम से, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। FRP की मतलब कि आपको कुछ नहीं करना, सीरियल नंबर दो बंदे को, वो आपका सीरियल नंबर सबमिट करेगा, 5-10 मिनट में डन हो जाएगा, एंड देन CMD ओपन करके आपको मोबाइल फास्ट मोड में लगाएंगे और वो जो की होगी वो डाल देंगे, एंड देन आपकी FRP हो जाएगी। तो ऐसा भी होता है हवावे के अंदर, ठीक है। इंशाल्लाह उस पर वीडियो लाएंगे, तो आप ये अपडेट ले कर लेना, और इसको अपडेट के बाद हम इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, MI की जो आई है लेटेस्ट अपडेट रिकवरी वर्जन, ये वाला ये आया है बाईपास MI क्लाउड। तो इंशाल्लाह जैसे ही मॉडल आता है मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये पता नहीं ये MTK के लिए आया है या फिर क्वालकॉम के लिए आया है या फिर कौन कौन से मॉडल होंगे, अगर सारे होंगे तो फिर मसला बनेगा, लेकिन वो मॉडल होंगे जो इसमें दे रखे होंगे। 9 प्रो मैक्स होगा, 10 प्रो मैक्स का अपडेट अभी नहीं आया है, कुछ मॉडल्स हैं जो कि TFM के अंदर हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि TFM का अब ID मिल चुकी है और ऑन हो चुका है TFM टूल, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, टूल को आप अपडेट कर लीजिएगा एंड देन यूज़ करिएगा, यूज़ करके मेरे को बताइएगा कैसा आपका अपडेट रहा और कैसा रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।